माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। Теперь мы сами сидим, мы сами сидим, мы сами сидим. Ай, шавай! Азат! Казахстан! Зиндабад! Партия Зиндабад! Зиндабад! Подвиги! मंजूर मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से समस्त जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद हम देना चाहेंगे। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम भारत के साथ स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने हमारा फैसला किया, अन्यथा आज पड़ोसी दुश्मन की जो देश की जो हालत है, मुझे लगता है कि हम सुखी हैं, हमें खुशी है इस बात की। मैं आज के दिन ये संदेश देना चाहूँगा कि आज हम महाराजा हरि सिंह जी के फैसले का पूरा आदर करते हुए, स्वर्गीय मकबूल शेरवानी साहब की शहादत को याद करते हुए, स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा जी की शहादत को याद करते हुए, यहाँ की एकता और अखंडता के लिए हमने बिल्कुल अडिग रहना चाहिए और यहाँ के तरक्की के लिए हमें एकजुट होके, यहाँ के अमन के लिए हमें एकजुट होके काम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, बेबुदी के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज जो ये डे हम मना रहे हैं, एसेशन डे, जो इल्हाक, जो एक डॉक्यूमेंट पे जो दस्तखत हुए थे, एक बड़े मुल्क के साथ इल्हाक हुआ था, उसकी आज खुशी मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस डे को एज सेलिब्रेशन डे के तौर पे मना रही है। रही बात जो 3 सालों में जो विजिबल चेंजेस जम्मू कश्मीर में लग रही, खास करके कश्मीर की अगर बात करें, वो आपके सामने है, वो आप आम लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। आपको पता होगा कि 370 से पहले कि कितने जो हालात यहाँ पर ख़राब हुआ करते थे। आपको पता है जो टूरिज़्म और टेररिज्म का ग्राफ कहाँ पर था। अगर हम टूरिज़्म की बात करें वो 15% ग्राफ पे था, और टेररिज्म की अगर बात करें तो 80% पे ग्राफ था। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ ऐसा खेल कर दिखाया कि इन 3 सालों में जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर है वो बदल दी है, और जो आज ग्राफ ऑफ टेररिज्म का देखते हैं वो 15% है और टूरिज्म का ग्राफ 80% है। आप उस होटल वाले से पूछिए जिसको ये डर होता था क्या कल मेरा होटल यहाँ चलेगा, कल हालत ख़राब तो नहीं होगी, कल पथराव तो नहीं होगा, पैलेट तो नहीं चलेगा। उनकी जो उनके यहाँ होटलों में काम करते थे लगभग 20-25 घर के हिसाब से वहाँ लोग पलते थे, लेकिन आज आप उसी होटल वाले से पूछिए कि आपकी बुकिंग जनवरी से लेकर नवंबर तक बराबर है कि नहीं। आज इतना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आया, इसका अगर श्रेय जाता है वो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, और उसके बाद अगर हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की बात करें, उन पे श्रेय जाता है, और उन्हीं इन 3 सालों में जो छवि है यहाँ की चेंज की, लोगों में विजिबल चेंजेस है। आप देख रहे डेवलपमेंट भी कितनी आगे बढ़ रही है, जहाँ पर एक फ्लाईओवर में 8-8, 10-10 साल लगते थे, आज वही फ्लाईओवर 4-4 जगहों पर और 8 महीने में तैयार होते हैं। ये चेंजेस है। लोगों के नौकरियों के हक मारे जाते थे, लोगों के पैसा खाया जाता था, जो 70 साल पैसा सेंटर से आया कहाँ गया, वो तो इन्हीं के घरों में गया, मामा भांजा बेटी बेटा उनके घर में गया, आम कश्मीरी को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इन 3 सालों में अब आम कश्मीरी को भी लग रहा है कि वाकई में जो चीज़ें हैं वो ज़मीनी सतह पे बदल गई है, और लोग अब बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ। मैं आपको आने वाले वक्त में दिखाता हूँ, 2 साल में आप एक वाकई में नया कश्मीरी ज़मीनी सतह पर देखें।